हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पारस लर्निंग। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ ट्रेजेडी की। जो हमारे पास 6 मेजर डिवाइसेस हैं जो किसी भी ट्रेजेडी के अंदर होती हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले बात करते हैं जी कैथारसिस की, कि कैथारसिस क्या होता है। कैथारसिस इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच मीन्स टू प्योरीफाई, टू क्लीन। ठीक है, कैथारसिस जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है प्योरीफाई करना, क्लींस करना। ठीक है, अभी जो कैथारसिस है इसको, ये जो टर्म है सबसे पहले यूज़ की थी एरिस्टोटल ने अपनी बुक पोइटिक्स के अंदर। सो कैथारसिस है क्या? कैथारसिस है, इट इज अ प्योरिफिकेशन और द क्लींसिंग ऑफ इमोशंस। इमोशंस की क्लींसिंग है, उनकी प्योरिफिकेशन है। अब इमोशंस कौन से? जैसे कि पिटी है, फियर है। ठीक है, सो हमारे पास कैथारसिस क्या हुआ? ये है प्योरिफिकेशन ऑफ इमोशंस। ठीक है, कैथारसिस इज एन इंटेंस इमोशनल इफेक्ट दैट अ ट्रेजेडी हैज ऑन इट्स ऑडियंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सीन देख रहे हैं, ठीक है, अब उस सीन की वजह से उसमें फॉर एग्जाम्पल कोई किलिंग है या कुछ इस तरह से है, अब आपका क्या है, जब आपने उस सीन को देखा, आपके ऊपर एक इंटेंस इमोशनल इफेक्ट पड़ा। ठीक है, वो हमारे पास कैथारसिस है। लेकिन जब वो कैटास्ट्रॉफी जो है वो खत्म होगी, जब वो एक दफा अक्कर होगी, उसके बाद आप लाइट फील करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ईडिपस सेक्स की बात करते हैं, जब ईडिपस सेक्स को पता लगता है कि डैट ही किल्ड हिज फादर एंड ही मैरिड हिज मदर, सो उसका उसके अंदर वो क्या था? गिल्ट था। उसका जो गिल्ट का इमोशन था, वो अपना वो किस तरह से खत्म करता है? जब उसको रियलाइज होता है, ही गॉजेस हिज ओन आइज आउट, वो अपनी आंखें जो है वो निकाल लेते हैं। क्यों? एज अ मीन्स ऑफ क्लींजिंग हिज गिल्ट, अपने गिल्ट को क्लींस करने के लिए, उसको जो है वो प्योरीफाई करने के लिए वो क्या करता है? अपनी आंखें निकाल लेता है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड कैथारसिस। इसी तरह से अगर हम म्यूजिक की बात करें, म्यूजिक इज ऑल्सो अ मीन ऑफ कैथारसिस। ठीक है, अब हम बात करते हैं जी निमेसिस की। निमेसिस क्या होता है? निमेसिस जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है टू गिव व्हाट इज ड्यू, मतलब जो लिखा है या जो है वो आपको मिलना है, जो आपका उधार पड़ा है वो मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये एक्चुअली में इसका मतलब ये है कि आपने जिंदगी में जो काम किया है, अगर आपने अच्छे काम किए आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा, अगर आपने बुरे काम किए तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, जो आपका है वो आपको मिलना है। सो आप इसको, वैसे निमेसिस जो है अगर आप इसको देखें तो ये एक गॉडेस का नाम है, और ये क्या करती थी गॉडेस का ये था कि जो लोग, जिन कैरेक्टर्स के अंदर या जिन हीरोज के अंदर एक्सेस प्राइड था, ये उनको जो थी सजा देती थी। ठीक है, सो निमेसिस वैसे गॉडेस का नाम है। सो आप ये कह सकते हैं ट्रेजेडी के अंदर किसी भी, इट इज एक्चुअली अ फेट ऑफ अ करेक्टर, ये किसी करेक्टर की फेट हो सकती है जिसको वो अवॉइड नहीं कर सकता। ठीक है, वो मोस्टली जो है वो ये बुरी फेट की बात है। ठीक है, जिसको वो अवॉइड नहीं कर सकता, यूजली एज द रिवेंज ऑफ ह्यूबरिस। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सेस प्राइड की वजह से उसने करेक्टर ने या हीरो ने कुछ गलत किया है, उसको जो है वो अब सजा उसकी मिलेगी, वो उससे एस्केप नहीं कर सकता। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ पोइटिक जस्टिस वेयर द पॉजिटिव करेक्टर्स आर रिवॉर्डेड, जो अच्छे करेक्टर्स हैं जिन्होंने अच्छे काम किए हैं उनको जो है वो इनाम मिलेगा, एंड द नेगेटिव करेक्टर्स और जो बुरे करेक्टर्स हैं उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। अगर आप ईडिपस की बात करें तो ईडिपस के अंदर एक्सेस प्राइड था, दूसरी बात था जो प्रोफेसी थी कि ही मैरिड हिज मदर एंड किल्ड हिज फादर, सो वो उस चीज़ से जो है ना वो एस्केप नहीं कर सकता था। अब जो उसकी फेट में था वो उसको अवॉइड नहीं कर सकता। इसी तरह से अगर हम डॉक्टर फॉस्टर्स की बात करें, अब डॉक्टर फॉस्टर्स जो था उसमें एक्सेस प्राइड था कि उस अपने इंटेलेक्ट का, अपने एम्बिशन का। अब ये है कि इसने क्या किया था, अपनी जो सोल थी वो लूसीफर को सेल कर दी थी। अब ये है कि देयर इज नो वे बैक, अब जो उसने किया है उसका जो है उसको सजा मिलेगी, उसको उसकी पनिशमेंट मिलेगी, डेट इज कॉल्ड निमेसिस। ठीक है, हमार्शिया की, कि हमार्शिया क्या होता है? हमार्शिया भी जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है टू एरर। ठीक है, इसको हम ट्रेजिक फ्लॉ भी कहते हैं। अब ट्रेजिक फ्लॉ के अंदर हमारे पास एक चीज़ आती है, हमार्शिया के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती है। हमार्शिया के अंदर हमारे पास आता है कि या तो करेक्टर की ने अपनी जो है वो एक तो जजमेंट में गलती करे, ठीक है, मिस्टेकन इन जजमेंट हो, दूसरी बात है कि उसकी अपनी पर्सनैलिटी के अंदर फ्लॉ हो। ठीक है, लेकिन जब हम ट्रेजिक फ्लॉ की बात करते हैं उसमें सिर्फ एक चीज़ आती है कि करेक्टर की जो है वो अपनी पर्सनैलिटी के अंदर फ्लॉ होता है, ऑल दो दोनों जो है वो एक डाउनफॉल की तरफ लेके चलते हैं। ठीक है, जो हमारे पास हीरो होता है उसको, सो अगेन ये भी एरिस्टोटल ने ही डिस्कस किया अपनी पॉइटिक्स के अंदर। सो इट रिफ्लेक्ट्स अ करेक्टर्स ट्रेजिक और फैटल फ्लॉ और मिस्टेक इन जजमेंट दैट अल्टीमेटली लीड्स टू देयर डाउनफॉल।
अब ये क्या होता है कि जब या तो करेक्टर, जो करेक्टर की अपनी पर्सनैलिटी के अंदर फ्लॉ हो, जैसे कि एक्सेस प्राइड है, एंगर है, उसकी वजह से, या फिर वो जजमेंट्स के अंदर या उसके जो इर्द गिर्द की जो सर्कमस्टांसेस है उनको सही तरीके से अंडरस्टैंड ना कर पा रहा हो, उसकी वजह से उसका डाउनफॉल होना, उसको हम कहते हैं हमार्शिया। ठीक है, अगर हम इडिपस सेक्स की बात करें तो उसका डाउनफॉल था एक तो उसकी प्राइड की वजह से, उसके एंगर की वजह से उसकी हास्टीनेस की वजह से, और दूसरी बात ये थी कि वो अपने ओरिजिन, उसकी लैक ऑफ नॉलेज थी अबाउट हिज ओरिजिन, वो अपने बारे में नहीं जानता था। ठीक है, उसकी वजह से उसका हमार्शिया हम उसमें कह सकते हैं। अगर हम मैकबथ की बात करें तो मैकबथ में हमार्शिया क्या होगा? मैकबथ में हमार्शिया होगा उसका अम्बिशन, क्योंकि उस मिशन की ऑब्सेशन ऑब्सेशन की वजह से उसने अपने किंग को उसने किल किया, फिर उसने अपने बेस्ट फ्रेंड्स को किल किया। ठीक है, और इसकी वजह से जो है वो उसका जो ऑब्सेशन है उसकी वजह से जो है वो उसका जो है वो उसकी फैटल उसकी फ्लॉ है, वो उसका उसका जो पर्सनैलिटी के अंदर फ्लॉ है, उसका जो एक्सेसिव ऑब्सेशन है। ठीक है, कहते हैं ह्यूबरिस की। ह्यूबरिस जो है वो भी हमारे पास ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब था द इंटेंशनल यूज ऑफ वॉयलेंस टू ह्यूमिलेट और डिग्रेड, कि आप इंटेंशनली तौर के ऊपर जो है वो वॉयलेंस को यूज करें ताकि किसी दूसरे को ह्यूमिलेट कर सके, उसे छोटा दिखा सके, उसको डिग्रेड कर सके। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी कॉनोटेशन जो है, इसका मीनिंग जो है उसका थोड़ा सा वो चेंज हो गया। अब जो है वो ह्यूबरिस क्या है, ये एक करेक्टर की ट्रेट है, करेक्टर की ट्रेट है, इसका मतलब ये हीरो की ट्रेट है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इट इज द एक्सेस प्राइड और एरोगेंस ऑफ अ हीरो और अ करेक्टर टूवर्ड्स द नेचुरल ऑर्डर दैट लीड्स टू डाउनफॉल। इसमें क्या होता है कि जो हीरो है, जो ट्रेजिक हीरो है, उसके एक्सेस प्राइड की वजह से या फिर जो नेचुरल ऑर्डर है या जो मॉरल वैल्यूज हैं, ठीक है, वो उसको फॉलो नहीं करता, उसके अगेंस्ट रहता है, जिसकी वजह से उसको डाउनफॉल होता है। ठीक है, अगर हम इडिपस की बात करें तो इडिपस के अंदर ऑब्वियसली एक्सेस प्राइड था, दूसरी बात था वो प्रोफेसी के अगेंस्ट गया था। ठीक है, उसकी वजह से उसका डाउनफॉल हुआ। ठीक है, इसी तरह से अगर पैराडाइज लॉस्ट की बात करें तो उसके अंदर देखें तो सैटन का करेक्टर है, जो कि जिसके अंदर ह्यूबरिस है। ठीक है, डैड सफर्स ह्यूबरिस, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को लॉस करता है, क्योंकि उसके अंदर एक्सेस प्राइड था, और अपने एक्सेस प्राइड की वजह से जो है ना वो चाहता था कि वो हेवन को कंट्रोल करे, अपने एक्सेस प्राइड की वजह से जो था उसको सजा मिली। ठीक, बात करते हैं एनेग्नोसिस की। एनेग्नोसिस जो है वो भी ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब है रिकग्निशन, पहचान होना। इट इज द मोमेंट ऑफ रिकग्निशन और रिविलेशन इन अ स्टोरी, किसी चीज का रिवील हो जाना, या कुछ ट्रुथ से जो पहले हाइड थे, जो अनटोल्ड थे, अब अचानक से जो है, अब जो है वो रियल, वो प्रॉपर से रिवील हुए हैं, उनकी उनको प्रॉपर समझा गया है, अब उनकी प्रॉपर समझ आ गई है। ठीक है, अब प्रॉपर जो है वो अनफोल्ड हुए हैं, उसको हम कहते हैं एनेग्नोसिस। इट रिवील्स अ करेक्टर्स और अ हीरोज ट्रू आइडेंटिटी और अनकवर्स द ट्रू नेचर ऑफ सिचुएशन। ठीक है, या तो हमारे पास हीरो की जो ट्रू आइडेंटिटी है वो रिवील होती है, और दूसरा क्या है, या तो हमें सिचुएशन के बारे में जो ट्रू नेचर है सिचुएशन की, वो हमारे सामने अनकवर हो जाती है, अनफोल्ड हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इडिपस सेक्स में बात करें तो उसमें एक एनेग्नोसिस क्या होगा, जब उसको पता लगता है, जब वो प्रॉपर उसके सामने सच सामने आता है कि डैड ही किल्ड हिज फादर एंड ही मैरिड हिज मदर, तो ये हमारे पास होगा एनेग्नोसिस। हम बात करते हैं पेरिपिटिया की, ये क्या होता है, ये भी हमारे पास ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है रिवर्सल, रिवर्सल ऑफ वर्ड, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत का बदल जाना। ठीक है, पेरिपिटिया इज अ सडन रिवर्सिंग ऑफ सर्कमस्टांसिस और फॉर्च्यून ऑफ अ हीरो। अब हीरो की जो एक, अब कह लो कि एक सडन उसकी किस्मत बदल जाती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं पेरिपिटिया। अब अगर आप देखें तो ये मोस्टली फिक्शंस में होता है कि, अब अगर मैं बहुत सिंपल आपको बताऊं तो पहले अगर कोई गरीब होता है तो फिर कोई उसकी लॉटरी लगती है और वो अमीर हो जाता है, कि फौरन से एक किस्मत का बदल जाना। इसी तरह से अगर हम इडिपस रेक्स में बात करें तो वो पहले हीरो था, ठीक है, स्टोरी का हीरो है, वो अपनी ब्रेवरी की वजह से फेमस था, वो किंग था, अब वो क्या है, मर्डरर है। अब उसकी किस्मत कैसे चेंज होगी, रिवर्सल है, कैसे उसकी किस्मत जो है वो सडनली चेंज होगी, उसके सर्कमस्टांसेस कैसे सडनली चेंज हो गया, इसको हम कहते हैं पेरिपिटिया। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच।